जिले के आधे गांव थाना में आधे गांव पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान बाइक चोर बबूलाल पिता प्रकाश लोधी बगैर नंबर प्लेट की स्प्लेंडर पर जा रहा था। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कागजात मांगे गए तो उसके कुछ भी दस्तावेज नहीं थे। शक के आधार पर पूछताछ करने पर बबलू लाल ने मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार से निकाली कि वहां से भाग निकला, पर आधे गांव पुलिस ने उसका पीछा कर चोर को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान फिर चोरी की मोटरसाइकिल है कहकर कबूला। आगे पूछने पर बताया कि दो मोटरसाइकिल और भी चोरी की है जो बाबूलाल द्वारा जंगलों में नाली में डालकर झाड़ियों में ढककर छिपा रखा था, जिसके मौके पर पहुंचकर आधे गांव थाना प्रभारी राहुल बघेल एवं स्टाफ टीम द्वारा दो मोटरसाइकिल और भी जब्त की गई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए कल शाम 4 बजे तक रिमांड में लिया गया। थाना प्रभारी आधे गांव के द्वारा सभी अपराधियों पर नकेल लगा दी गई है, जिनकी सूझबूझ से ही इस चोर को पकड़ा गया। यह शख्स रानी पिंडरई नरसिंहपुर का रहने वाला है। राहुल बघेल थाना प्रभारी ने बताया अभी और भी गुत्थी शेष है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। साथ ही आधे गांव थाना प्रभारी राहुल बघेल की कार्यशैली से क्षेत्र के लोग खुश नजर आ रहे हैं और आम लोग थाना प्रभारी राहुल बघेल की प्रशंसा कर रहे हैं। लखनादौन से विकास जैन की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार यह आदेश हुआ था कि सिवनी में बढ़ती हुई वाहन चोरी के संबंध में समस्त अनुभागीय अधिकारी अपने अपने थाना क्षेत्र में ये निर्देश दें कि थाना क्षेत्र में प्रॉपर वाहन चेकिंग हो और वाहन चेकिंग के दौरान जिन गाड़ियों में नंबर ना हो उन गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग हो कि वो वाहनों में गाड़ियों में नंबर क्यों नहीं है और क्या कारण है। तो कल दिनांक की बात है, कल दिनांक 25 तारीख की शाम की बात है, मैं अपने बल के साथ पुरवाते गड्ढे पे वाहन चेकिंग कर रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान मड़ी की तरफ से एक काले कलर की स्प्लेंडर में एक व्यक्ति आया, जिसकी गाड़ी में आगे और पीछे कोई नंबर नहीं था, जो मुझे संदिग्ध लगा। मैंने उससे उसका पूछा, नंबर के बारे में पूछा, तो वो घबरा के गाड़ी छोड़ के भागने लगा। फिर मैंने और मेरे बल ने उसे जाके मौके पे जाके उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद हमने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बाबू लाल पिता प्रकाश चंद लोधी 25 साल निवासी रानी पिंडरई जिला नरसिंहपुर का होना बताया। उससे मैंने गाड़ी के संबंध में पूछा तो उसने झिझकने लगा। फिर मैंने गाड़ी के 36 नंबर, चूंकि गाड़ी में आगे पीछे नंबर नहीं था, तो मैंने 36 नंबर से अपने मोबाइल में एमपी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट से देखा तो गाड़ी किसी रवि कुरगोतिया 12 पत्थर सिवनी के नाम से निकली, जिसका गाड़ी का नंबर था MP22MH6113 नंबर। ये गाड़ी निकली सर, कितनी गाड़ी थी उसमें? उस समय एक ही गाड़ी थी। उसके बाद हमने उसे हमने हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये मैंने गाड़ी 3-4 दिन पहले सिवनी बस स्टैंड से गाड़ी ये चुराई है। सर अपराधी कितने थे इसमें? इसमें केवल एक ही था वो। उसके बाद फिर हमने इसे गिरफ्तार करके गाड़ी की जब्ती की प्रॉपर, उसे गिरफ्तार करके थाने लाया, वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना देने के बाद इसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई। इसने पूछताछ के दौरान दो अन्य गाड़ियों के बारे में और बताया कि मैंने इस स्थान से दो अन्य गाड़ियां और चुराया। इसने बताया कि मैंने एक गाड़ी MP49 MK5685 स्प्लेंडर वाहन है ये, जो मैंने नरसिंहपुर बड़ा इतवारा बाजार से चुराया है, और एक गाड़ी है MP49 MM4104 गाड़ी HF डीलक्स मोटरसाइकिल काले नीले कलर की, जो इसने बचई बाजार से चुराया है। जो इसके बताए हुए स्थान पे हम मैं बल गए, ग्राम डुडवारा पड़ता है आगे, डुडवारा के पास स्कूल के पीछे झाड़ियों में से इसकी जो गाड़ी है वो गाड़ियां जब्त की। इसके बताए अनुसार हमने गाड़ियां जब्त की, मौके से जब्ती कर थाना लाया। इसके बाद इसे माननीय न्यायालय हमने पेश किया। चूंकि ये शातिर चोर है, इसके पास और अधिक गाड़ियां मिलने की संभावना है और अधिक चोरी होने का खुलासा है, इसलिए हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध कर इसका एक दिन का पुलिस रिमांड लिया है अग्रिम, और इससे पूछताछ जारी है। हो सकता है कुछ और क्लू हमें सामने मिल जाए और चोरी खुलने की संभावना है। अपराधी के ऊपर क्या धारा लगाए सर? अपराधी के ऊपर चूंकि एक गाड़ी थी सिवनी क्षेत्र से चोरी हुई, दूसरी गाड़ी नरसिंहपुर क्षेत्र से चोरी हुई और तीसरी गाड़ी भी नरसिंहपुर क्षेत्र से चोरी हुई, इसीलिए थाना आधे गांव का घटनास्थल ना होने से अपराध धारा इस्तकासा, इसमें एक कानूनी प्रक्रिया है, इस्तकासा तैयार किया जाता है, तो इसका इस्तकासा तैयार किया गया। इस्तकासा क्रमांक 0/1 धारा 41(1) 41(1)(4) जाप्ता फौजदारी
/389 IPC का इस्तगासा तैयार किया गया और जो डायरी कंप्लीट की गई। अब इसके बाद ये कार्रवाई है, इस संबंध में हमने RM कर दिया है, रेडियो मैसेज करवा दिया है, ये गाड़ियां जिन जिन थानों में चोरी हुई होंगी वो थाने वाले हमसे सीधे संपर्क कर माननीय न्यायालय के माध्यम से आरोपी एवं अपने वाहन को अपने पास सुपुर्द कर सकते हैं।